Okay, so hi everyone, once again for this day or for this video. So now we will discuss a very important thing, which is primary imagination and secondary imagination plus fancy. This is by S.T. Coleridge, जो कि एक अफीमची बंदा था. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आ गई हमारी सबसे पहले इमेजिनेशन. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. तो इमेजिनेशन को ये दो पार्ट्स में सबसे पहले डिवाइड करता है, वो हम देख लेते हैं. सबसे पहला है हमारा प्राइमरी, सेकंड है हमारा सेकेंडरी. और साथ में ये एक और चीज की बात करता है जिसका नाम ये हमें बताता है, फैंसी. फैंसी ये आ गया आपका इमेजिनेशन. अब ये बात समझ लो कि जो इमेजिनेशन है और फैंसी है, कॉलरिज कहता है कि जो ये दो चीजें हैं ये डिफर करती है किसमें, काइंड में. और ये जो दो चीजें हैं, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन, ये डिफर करती है डिग्री में. डिग्री का मतलब है कि क्वांटिटी, उसका कितना प्रभाव है. मान लो जैसे कि आजकल विंटर्स चल रही है, मैंने जैकेट पहना है, तो डिग्री का मतलब है कि आजकल डिग्री, ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर बहुत कम हुआ हुआ है और गर्मी में बढ़ जाता है. उसी तरह डिग्री का इसमें फर्क है, कम और ज्यादा का, वो क्या है मैं बताऊंगा. अब ये इमेजिनेशन और फैंसी में क्या फर्क बताता है कि दे डिफर इन काइंड, मतलब इनका काइंड ही अलग है. मान लो मैं इंसान हूं, आप भी इंसान हो, हमारा काइंड एक है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, बट स्टिल दे डिफर इन काइंड, इनका काइंड ही अलग है. अगर ये इमेजिनेशन क्रिएटिव हो सकती है, लेकिन ये क्रिएटिव नहीं है. वो कैसे नहीं है और ये कैसे क्रिएटिव है, ये मैं अभी बताऊंगा. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी इमेजिनेशन की. तो प्राइमरी, जैसा कि आपको पता है, प्राइमरी कोई भी चीज, प्राइमरी उसे कहा जाता है जो कि एक बहुत ही स्टार्टिंग में होती है, किसी भी चीज की स्टार्टिंग में, और द थिंग विच इज वेरी सिंपल, है ना. जो कि प्राइमरी इमेजिनेशन इज यूनिवर्सल अकॉर्डिंग टू एस टी कॉलरिज. ही सेज दैट दिस इज यूनिवर्सल, बट दिस इज पर्टिकुलर, इट कैन बी फाउंड इन वेरी सेलेक्टेड पीपल, मतलब कि जो सच में टैलेंटेड है उनमें ही होती है सेकेंडरी इमेजिनेशन. हम और आप जैसे आम लोगों में नहीं होती, या फिर हो सकता है आप लोगों में से कोई लोग होंगे जो बहुत बड़े आर्टिस्ट होंगे, या फिर पेंटर्स होंगे, या फिर कुछ भी हो सकते हैं, पोएट्स हो सकते हैं, तरह तरह के. तो उसी तरह प्राइमरी का मतलब है कि आपने कोई भी चीज, सिंपली आप गए जंगल में गए, या फिर आप मार्केट गए, आप मॉल रोड घूम के आए, या फिर आप किसी मॉल में गए हो, आपने किसी, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, चलो मैं जवान हूँ तो मैं एक जवानों की तरह ही एग्जाम्पल देता हूँ, प्यार का, लव एट फर्स्ट साइट, जैसा कि शेक्सपियर भी कंसेप्ट भी है. तो आपने सबसे पहले किसी लड़के को देखा या फिर किसी लड़की को देखा, तो आपको एकदम से वो पसंद आ गया या आ गई, ठीक है, ये आप मान लो थोड़ी देर के लिए. तो वो आपकी क्या है, प्राइमरी इमेजिनेशन. या आपने कुछ भी देखा, आप जंगल गए, आपने कोई झाड़ी देखा, फूल देखा, वो आपकी प्राइमरी इमेजिनेशन है. आपने देख लिया, आप घर आए, आपका प्राइमरी इमेजिनेशन का काम खत्म, इसका रोल हो गया अदा, अब इसका कोई काम नहीं है. अब बात आती है सेकेंडरी इमेजिनेशन की, कि प्राइमरी इमेजिनेशन तो है आपने सबसे पहले जो चीज देखी, विटनेस की, बस वो हो गया. तो ये यूनिवर्सल क्यों है, क्योंकि ये तो कोई भी कर सकता है ना. अब मैं भी जा सकता हूँ मार्केट को, जा सकता हूँ कहीं भी, मैं कुछ भी देख सकता हूँ, मैंने देख लिया, मेरे दिमाग में बात चली गई, कोई भी इंसान होगा उसके दिमाग में बात चली जाती है, ठीक है. तो ये हो गया आपका प्राइमरी इमेजिनेशन. अब सेकेंडरी इमेजिनेशन का क्या काम है, सेकेंडरी इमेजिनेशन वो इमेजिनेशन है जो कि चीज़ों को जोड़ती है, इकट्ठा करती है, मिक्स करती है, और उनको मॉडिफाई करके एक नया रूप देती है, और एक होल, एक चीज बना देती है. फॉर एग्जाम्पल, हम यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, गैरेज का. मान लो ये एक गैरेज है, ठीक है, इस गैरेज में, ये गैरेज है, यहां पर अंदर काम चला है, मैकेनिक्स वगैरह लगे हैं, ये यहां का रास्ता है, सड़क है, यहां पर एक गाड़ी है. अब गाड़ी मैं ऐसे ही बना रहा हूँ आइडिया से, ठीक है, वैसे ड्रॉइंग मेरी अच्छी है पर मैं टाइम ज्यादा लगा नहीं रहा हूँ इस पर, तो ये ऐसे ही बनेगा. तो अब ये आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये जो गाड़ी है ना, ये वाली गाड़ी, ये है आपकी प्राइमरी इमेजिनेशन, ठीक है. ये आई कहां गई, इस गैरेज में. इस गैरेज में कौन है, सेकेंडरी इमेजिनेशन, ऐसे लिख दिया मैंने. इस गाड़ी में है आपकी सेकेंडरी इमेजिनेशन. इसका काम क्या है, इसका काम है गाड़ी को तोड़ना, मरोड़ना, या फिर उसमें कुछ भी, कुछ ऐसी खराबी है उसको ठीक करना, और उसको एक नया रूप देना मॉडिफाई करके, ठीक है, उसमें फ्यूजन इसने करना. तो अब बात आती है कि ये क्रिएटिव है, सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है इट इज क्रिएटिव. नाउ वी कम बैक टू द कंसेप्ट कि इमेजिनेशन कैन बी क्रिएटिव बट फैंसी कैन नॉट.
अब हमें यह तो पता लग गया कि इमेजिनेशन कैसे क्रिएटिव हो सकती है। इमेजिनेशन के दो पार्ट है, जिसमें से सेकेंडरी इमेजिनेशन क्रिएटिव हो सकती है या फिर क्रिएटिव होती है, लेकिन प्राइमरी इमेजिनेशन जो है वो क्रिएटिव नहीं होती। ठीक है, तो अब हमने यहां पे बात कर ली कि जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है उसका काम है ये। अब वही वाला एग्जाम्पल वापस ले लेते हैं, लड़का और लड़की का। आपने किसी लड़की को देखा, मान लो मैं लड़का हूं, मैंने किसी लड़की को देखा, मैं घर आया। अब मैंने क्या किया, उस लड़की को याद किया। मेमोरी, मेरी मेमोरी जो है वो काम कर रही है। अब वो कहाँ काम कर रही है, मैंने उस लड़की को याद किया। अब कैसे याद किया, मैंने याद किया उसको, मैंने कहाँ देखा, उसने क्या पहना था, उसके अब आँख कैसी थी, उसके बाल कैसे थे, है ना, उसके होंठ कैसे थे, ये सारी चीज़ें मैंने देखी। और मैंने क्या किया, मैंने घर आके एक पोएम लिख दी। ठीक है, ये पोएम लिख दी, ये। अब ये जो पोएम है ये क्या है, सेकेंडरी इमेजिनेशन। ये मैंने क्या किया, क्रिएट किया, कुछ क्रिएट किया ना, वो सारी प्राइमरी इमेजिनेशन को इकट्ठा करके मैंने कुछ क्रिएट किया। अब बात आती है कि फिर फैंसी क्या चीज है। फैंसी वो एक शैतानी ताकत है शैतानी कहूंगा, जो कि मेरी प्राइमरी इमेजिनेशन को यहां पे इस गैरेज में लेकर आती है। ये जो यहां पे एक हम फैंसी की पिक्चर बना लेते हैं, ये हंसते हुए आ रही है बेचारी, चलो इसको फ्रॉक बना देते हैं, ठीक है, बड़ी खुश है, इसके हाथ बड़े बड़े बना देते हैं। ये है हमारी कौन, एफ, मतलब कि फैंसी। अब ये दिख नहीं रहा है शायद, मैंने ज़्यादा नीचे बना दिया, ये देख रहे हो लड़की, हाँ ये जो लड़की मैंने बनाई ये एफ है, मतलब कि फैंसी। इसका काम क्या है, जो ये गाड़ी है, प्राइमरी इमेजिनेशन को इसने लेकर आना है सेकेंडरी इमेजिनेशन तक। अब इसने कैसे लेकर आना है, फैंसी का सिंपल सा जो मतलब है, इसका मतलब है मेमोरी। जब हमें किसी, हम उसको याद करते हैं, है ना, मैं बैठा, मैं घर आया, मैंने प्राइमरी इमेजिनेशन पहले कर ही ली थी, उसके बाद मैं घर आया, मैंने उसको याद किया, मेमोराइज किया। वो मेमोरी जो है, वो फैंसी जो है, वो लेकर आई है मेरे को सेकेंडरी इमेजिनेशन तक, और फिर मैंने क्रिएट की ये पोएम। ठीक है, ये है कंसेप्ट इसका, कि फैंसी का काम बस यही है। इसमें फर्क ये है इमेजिनेशन और फैंसी में, कि ये जैसे मैकेनिकल कोई चीज़ होती है और ये केमिकल कोई चीज़ होती है। मैकेनिकल का मतलब है कि आप कुछ चीज़ क्रिएट कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, है ना, ये सारी चीज़ें। और फैंसी का मतलब होता है सिर्फ आपकी मेमोरी। और जो कॉलरिज है वो सेकेंडरी इमेजिनेशन को क्या कहता है, एसएम प्लास्टिक का मतलब होता है, ये वर्ड प्लास्टिक से आया है या फिर शायद प्लास्टिक इससे आया है। तो प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी लचीली चीज, है ना, जिसे हम कहीं भी मोड़ सकते हैं, उससे कुछ भी बना सकते हैं हम। ठीक है, वो होता है हमारा एसएम प्लास्टिक। तो ये इस एसएम प्लास्टिक का मतलब यही है कि हमने कोई भी चार पांच चीजों को इकट्ठा करके एक नया उसको फॉर्म दिया, एक नया उसको रूप दिया, तो इसीलिए इसे एसएम प्लास्टिक कहा जाता है। और ये साथ में ये बात भी कहता है कि प्राइमरी इमेजिनेशन जो है, इट कैन बी एंजॉयड बाय एनी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, लाइक वेरी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, बट दिस सेकेंडरी इमेजिनेशन इज समथिंग विच कैन बी एंजॉयड ओनली बाय द आर्टिस्ट। ठीक है, आर्टिस्ट का मतलब है पोएट भी हो सकता है, वो पेंटिंग भी बना सकता है, वो डांसर भी हो सकता है, वो सिंगर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जो कि एक क्रिएटर होगा। वो टिकटॉक वाला भी हो सकता है, क्योंकि टिकटॉक में देखा है ऊपर आता है लिख के फेमस क्रिएटर, उनके स्टार लगे होते हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स होते हैं, जस्ट लाइक दैट। वही बात है कि क्रिएशन वही कर सकता है जिसके पास ये वाली सेकेंडरी इमेजिनेशन का वो यूज करेगा, और उसके पास ये वाली जो पावर है, ये वाला टैलेंट है, वो होगा इमेजिनेशन एंड फैंसी। फैंसी अलग चीज है, काइंड में डिफर करती है, और जो प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन है, ये इमेजिनेशन का ही पार्ट है, और ये डिग्री में डिफर करती है। डिग्री का मतलब है, ये थोड़ा सा सिंपल सी मेमोरी होती है, इसको कोई भी एक्सपीरियंस कर सकता है, लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन वो होती है जिसको गिने चुने लोग ही कर सकते हैं। ये गैरेज है, गैरेज में सेकेंडरी इमेजिनेशन काम कर रही है, वहां प्राइमरी इमेजिनेशन आ रही है, जिसको लेकर आ रही है आपकी फैंसी। तो बस इतना सा छोटा सा कंसेप्ट है इसका, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। आप मुझे और भी, अब तो मैं कंटिन्यूसली आ ही गया हूं यूट्यूब पे, अब दोबारा से अच्छे से मुझे इन्वेस्ट करनी है ये हॉलीडेज पे, एटलीस्ट आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। और हमें कभी भी अपना टाइम वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। इफ यू थिंक दैट यू हैव समथिंग टू गिव टू द वर्ल्ड एंड यू हैव टाइम एज वेल, सो डू नॉट वेस्ट एंड एक्सप्लोर योर सेल्फ एंड गिव व्हाटएवर यू हैव इन योर माइंड, इन योर साइकी और इन योर एक्सपीरियंसेस टू द वर्ल्ड। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। और अभी नेट का रिजल्ट भी आने वाला है, उसकी भी सभी लोग के लिए गुड लक, और तब तक के लिए बाय।